हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फिनलैंड के वीजा के लिए अप्लाई करने का तरीका। जी हाँ दोस्तों, आपको आज की इस वीडियो में एक ऐसे वेबसाइट पे लेके जाऊंगा जहां से जो है आप खुद के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। आप जान सकते हो दोस्तों कि इंडिया में फिनलैंड के लिए वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स कहाँ कहाँ पर है, कितनी आपकी फीस लगने वाली है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, सारी की सारी जानकारी जो है आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों अगर आप भी फिनलैंड का वीजा लेना चाहते हो, फिर वो किसी भी टाइप का वीजा क्यों ना हो दोस्तों, आपको तरीका जो है सेम ही फॉलो करना होता है। आपको जो है सर्टेन प्रोसेस के थ्रू होकर गुजरना पड़ता है दोस्तों। आपको वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, आपको सबमिट करना पड़ता है, अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है, बायोमेट्रिक्स वगैरह देने पड़ते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीजें आप कैसे करेंगे, कौन से वेबसाइट से जाके करेंगे, कैसे आपको जो है इस प्रोसेस को फॉलो करना होता है, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। पूरी की पूरी जानकारी आपको दूंगा। सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं पब्लिक इंजन। वीडियो को लाइक करने के लिए अभी नहीं बोलूंगा, आप वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों, और तब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। अभी मैं आपका वेस्ट करूंगा नहीं दोस्तों, क्योंकि आप भी यहां पर जानकारी लेने आया और मैं भी यहां पर आपको जानकारी देने आया हूं। तो आपको जो है डायरेक्ट मुद्दे की बात बताता हूं, आपको जो है डायरेक्ट जो है अपनी वेबसाइट पे लेके चलता हूं, वहां पर आपको जानकारी दे देता हूं कि किस तरीके से आपको फिनलैंड के वीजा का प्रोसेस मतलब फॉलो करना है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। अगर आप फिनलैंड का वीजा लेना चाहते हैं तो इस वक्त मैं आपको जिस वेबसाइट पर लेके आया हूं, वहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वेलकम टू फिनलैंड वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स। ये जो यूएफएक्स ग्लोबल का एक पार्ट है दोस्तों ये आर्टिकल, और यहां से जो है आप फिनलैंड के वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स के बारे में जान सकते हैं, प्रोसेस के बारे में जान सकते हैं दोस्तों। यहां पर ऑप्शन है प्लीज सिलेक्ट द कंट्री यू विश टू अप्लाई फ्रॉम, आप किस कंट्री से अप्लाई करना चाहते हैं। यहां पर इंडिया का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, इस पर क्लिक करेंगे। इंडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख के आया है अपॉइंटमेंट्स एट VFS वीजा एप्लीकेशन सेंटर इन इंडिया आर फ्री, एक्सरसाइज कॉशन विद ट्रैवल एजेंट्स एज वी हैव नो अफिलिएशन विद देम। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ट्रैवल एजेंट्स वगैरह से बच के रहिए, एजेंसी वगैरह से बच के रहिए, वो लोग पैसे चार्ज करेंगे, लेकिन अपॉइंटमेंट जो है आप VFS वीजा एप्लीकेशन सेंटर में जो है फ्री में बुक कर सकते हैं दोस्तों। इंडिया में जो है कोई चार्ज नहीं लगता है अपॉइंटमेंट बुक करने का, तो इस नोटिफिकेशन को आप डिसमिस कर सकते हैं दोस्तों। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी, कुछ ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। अप्लाई फॉर अ वीज़ा, फाइंड इन्फॉर्मेशन एंड बिगिन योर एप्लीकेशन, आप अपना एप्लीकेशन जो है शुरू कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जब आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है VFS सेंटर्स में, तब की आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर अपने हिसाब से जो है शेड्यूल कर सकते हैं। उसके बाद फाइंड अ सेंटर, आप जो है अपने अगल बगल एक VFS सेंटर सर्च कर सकते हैं दोस्तों, या फिर वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जिसे कहते हैं वो सर्च कर सकते हैं। उसके बाद प्रीमियम सर्विसेज वगैरह भी आप ले सकते हैं, मोर कन्वीनियंट और मोर कंफर्टेबल सर्विस आपको मिलेगी दोस्तों अगर आप प्रीमियम सर्विस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। ठीक है, अभी मैं आपको जो एक एक करके सारी चीज़ें बता देता हूं दोस्तों। यहां पर अप्लाई फॉर अ वीज़ा वाला ऑप्शन है, इस पर स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुलेगा दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टार्टिंग योर एप्लीकेशन। यहां पर स्टेप बाय स्टेप गाइड दिया जाएगा, आइडेंटिफाई वीजा टाइप, चूज द राइट वीजा फॉर योर ट्रिप। आपको जो है दोस्तों अपने ट्रिप के लिए सही वीजा सिलेक्ट करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है द फर्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन विच वीजा टाइप यू नीड एंड चेक वेदर यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आप कौन सा वीजा टाइप लेना चाहते हो, और आपको देखना है कि क्या आप उस वीजा टाइप के लिए एलिजिबल हो या नहीं। उसके बाद यू विल ऑल्सो नीड टू नो द डॉक्यूमेंट्स दैट यू विल हैव टू सबमिट अलॉन्ग विथ योर एप्लीकेशन, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना होगा, आपको एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में जानना होगा दोस्तों, और आपको जो है फीस के बारे में जानना होगा अगर आप जो है वीजा लेना चाहते हैं तो। ईच एप्लीकेशन मस्ट कंप्लाई विद द गाइडलाइंस एप्लीकेबल फॉर योर वीजा कैटेगरी, आपकी वीजा कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करते हैं अलग अलग गाइडलाइंस, उनके थ्रू आपको होकर गुजरना पड़ेगा। यहां जाते हैं दोस्तों फिर बिगिन योर एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे, स्टेप टू जो है उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो गेट स्टार्टेड विद योर वीजा एप्लीकेशन लिखा हुआ है। वंस यू आर रेडी टू अप्लाई फॉर अ वीजा प्लीज फिल इन द वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, आप वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद डाउनलोड कर सकते हैं वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने ऑनलाइन भरा है। और यहाँ पर यह भी लिखा हुआ यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, कंप्लीट इट, प्रिंट द कंप्लीटेड फॉर्म एंड ब्रिंग इट विथ यू टू द वीजा एप्लीकेशन सेंटर फॉर सबमिशन। आपको जो ऑनलाइन ही भरना है वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, और उसके बाद जो है इसको प्रिंट करवा करके ही आपको जो है वीजा एप्लीकेशन सेंटर पर जाना है, ठीक है, सबमिशन के लिए। उसके बाद तीसरा स्टेप है दोस्तों बुक एन अपॉइंटमेंट, चूज अ वीजा एप्लीकेशन सेंटर एंड मेक अ अपॉइंटमेंट। आप जो अपॉइंटमेंट कर सकते हैं दोस्तों, बुक कर सकते हैं। वंस यू हैव फिल्ड योर वीजा फॉर्म यू नीड टू बुक एन अपॉइंटमेंट टू हैव योर फिंगरप्रिंट्स एंड फोटो टेकन एट वीजा एप्लीकेशन सेंटर। आपको जो अपने फिंगरप्रिंट्स वगैरह देने होते हैं, फोटोज वगैरह देनी होती है, बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन कहते हैं दोस्तों इसको, और इसी के लिए जो है आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। वंस यू हैव बुक्ड योर अपॉइंटमेंट यू विल रिसीव एन अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन ईमेल अलॉन्ग विद द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, आपको जो है
मतलब ये अपॉइंटमेंट के बाद ईमेल कंफर्मेशन आएगी और आपको जो है लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट भी आएगा, आपको मतलब जो बुलाया जाएगा उसके लिए लेटर लेटर आता है दोस्तों आपके ईमेल पे। इफ़ यू आर पार्ट ऑफ अ फैमिली और अ ग्रुप यू विल हैव टू बुक इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट्स फॉर ईच मेंबर ऑफ द फैमिली और ग्रुप। अगर आप जो है एक से ज़्यादा लोग हैं तो आपको जो है हर एक बंदे के लिए अलग अलग अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप चार लोग जा रहे हैं तो चारों लोग एक ही अपॉइंटमेंट में जा करके वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर विजिट कर सकते हैं, ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों। तो ये सारी जानकारी जो है जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विजिट अ वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर यहाँ पर एक ऑप्शन है, तो यहाँ व्यू मेर मोर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको यू विल हैव टू सबमिट योर कम्प्लीटेड अ वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म एट द वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, फाइंड आउट व्हाट हैपेंस एट द वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, क्या होता है वो भी आप पता कर सकते हैं। और जैसे ही वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर पर आप क्लिक करोगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो है आपको इंडिया में फिनलैंड के वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स के बारे में पता चल जाएगा दोस्तों, कहाँ पर कौन कौन से वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स हैं और कब से कब तक खुले रहते हैं। बैंगलोर में मंडे टू फ्राइडे 9 बजे से 3 बजे तक, चेन्नई में 8 बजे से 3 बजे तक मंडे टू फ्राइडे, हैदराबाद में मंडे टू फ्राइडे 8 से 3, कोलकाता में मंडे टू फ्राइडे 9 से 2, मुंबई में मंडे टू फ्राइडे 9 से 4, न्यू दिल्ली में मंडे टू फ्राइडे 9 से 4। अगर आप यहाँ पर नाम पे क्लिक करेंगे, जैसे मुंबई लिखा हुआ है, मुंबई पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर बुक नाउ का एक ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है दोस्तों कि दिस वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर हैज़ एन एडिशनल फी रिक्वायरमेंट, यहाँ पर फी रिक्वायरमेंट आपको जो पे करनी पड़ेगी 2351 लिखा हुआ है दोस्तों। मोड ऑफ पेमेंट कैश कार्ड UPI, आप कुछ भी कर सकते हैं। एड्रेस भी बताया जा रहा है दोस्तों कि कहाँ पर है, महालक्ष्मी वेस्ट मुंबई बिहाइंड फेमस स्टूडियो, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको खुद के लिए अपॉइंटमेंट बुक करनी है दोस्तों, या फिर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। सपोज मैं दिल्ली वाले में करके दिखाता हूँ दोस्तों, दिल्ली वाले में कोई एडिशनल फी है या नहीं वो देख लेते हैं। न्यू दिल्ली पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी एडिशनल फी नहीं है, हाँ है यहाँ पर भी एडिशनल फी है दोस्तों। तो यहाँ बुक नाउ पे क्लिक करूँगा, अभी मैं बुक एन अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पर। पार्टनरिंग विद द गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड वी सपोर्ट वीज़ा एप्लीकेंट्स थ्रू द इंटायर एप्लीकेशन प्रोसेस, प्लीज़ नोट एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड इन द वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर ओनली बाय अपॉइंटमेंट्स। उसके बाद इफ़ यू आर रेडी टू अरेंज योर वीज़ा एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट सी बिलो टू बिगिन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन को वहाँ जा करके ही जमा कर सकते हो दोस्तों, तो आपको जो है पहले अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है दोस्तों। अपॉइंटमेंट के लिए इफ़ दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर यूजिंग दिस सर्विस प्लीज़ क्लिक ऑन द न्यू यूज़र, ठीक है। यहाँ पर आपको न्यू यूज़र पर क्लिक करना है अगर आप पहली बार वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हो तो। उसके बाद न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है दोस्तों, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल दो, ईमेल आईडी डाल लो, फोन नंबर डाल लो, पासवर्ड वगैरह डाल लो, कंफर्म कर दो पासवर्ड, आई एग्री पे क्लिक करने के बाद जो है सबमिट कर दो दोस्तों। इसके बाद क्या होगा, आपका जो है रजिस्ट्रेशन अपॉइंटमेंट जो है बुक कर सकते हो आप इतनी आसानी से, ठीक है। इसके बाद कोई स्टेप होगा शायद, उसमें आपको जो है बुक कर लेना होगा। अगर इसके बाद भी आपको बुक करने में दिक्कत आ रही है या फिर अगर आपको इसके बाद की प्रोसेस के बारे में भी जानना है दोस्तों, तो आप मेरे को बताना, मैं आपको लॉगिन करके बताऊंगा बकायदा। लेकिन आज हम यहीं पर छोड़ेंगे आपको। तो दोस्तों मैंने जो है आपको पूरा का पूरा जो है प्रोसेस बता दिया है किस तरीके से आप खुद का जो है वो बुक कर सकते हैं दोस्तों, और कैसे जो है आप वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स खोज सकते हैं इंडिया में आप अगर फिनलैंड जाना चाहते हैं तो, फिनलैंड का वीज़ा लेना चाहते हैं तो, ठीक है। यहाँ पर चार स्टेप तक तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर के बाद विजिट अपॉइंटमेंट वगैरह कैसे लेना है। यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन है दोस्तों, वंस यू हैव मेड योर एप्लीकेशन यू विल नीड टू पे योर एप्लीकेशन फी। उसके बाद ट्रैक भी कर सकते हैं दोस्तों, आप अपना एप्लीकेशन ट्रैक करने का भी यहाँ पर एक ऑप्शन है दोस्तों, स्टेप 6। उसके बाद स्टेप 7 है कलेक्ट योर पासपोर्ट, रिसीव योर पासपोर्ट फ्रॉम द वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, और उसके बाद जो है आप निकल सकते हैं फिनलैंड। ये पूरा की पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है दोस्तों, आपके लिए जो है इस वेबसाइट के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, प्लीज़ चेकआउट करना मत भूलिएगा। देखा दोस्तों किस तरीके से आपको पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो करना है, स्टेप 1 से लेकर स्टेप 7 तक मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको अपना वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्टार्ट करना है, और उसके बाद किस तरीके से आपको पासपोर्ट कलेक्ट कर लेना है। ये आपका पहला स्टेप था वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, और आपका आखिरी स्टेप था दोस्तों पासपोर्ट कलेक्ट करके टिकट वगैरह लेने के बाद निकल जाना, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है दोस्तों, तो आपको जो है मैंने पूरे प्रोसेस के बारे में बता दिया है। तो अगर आप आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, मतलब 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर कभी भी अगर आपको फिनलैंड जाना है दोस्तों, तो आपको सेम प्रोसेस के थ्रू होकर गुजरना होगा। इसीलिए इस प्रोसेस के बारे में जानना जरूरी था। बहुत सारे लोग मुझे ऑलरेडी पूछ भी रहे थे कि सर करना क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, सर मेरे को ये बताइए कि कहां से जाकर के अपॉइंटमेंट बुक होती है। तो मैंने आपको वेबसाइट के बारे में बता दिया दोस्तों, इस वेबसाइट पर जाइए, खुद के लिए अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, और आप जो है अपने वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस को जो स्टार्ट भी कर सकते हैं खुद से ही ऑनलाइन घर पर बैठे, और डाउनलोड करके अपॉइंटमेंट बुक करके जो है जाकर के वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स में सबमिट कर सकते हैं। तो मैंने पूरा का पूरा प्रोसेस बता दिया दोस्तों, मैंने अपना काम कर दिया, अब आप अपना काम कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।